रुपीज के ऊपर परचेस पे उसको ये भी देने वाले हैं। तो इस स्कीम का जरूर फायदा उठाएं। आप तेजस जी आए हैं, ये दो तवेतर से आप ले सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जो व्यापारी है कहीं ना कहीं मन मना कर बैठे हुए कि अब बिजनेस स्टार्ट करें, तो क्या ये सही समय है, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो उसमें 1 रुपीज किलोमीटर आने का और 1 रुपीज किलोमीटर जाने का हम आपको देंगे। इसको कहते हैं आना जाना फ्री स्कीम। सर, एक डेड स्टॉक की बहुत बड़ी समस्या आती है जब बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं, तो उससे कैसे बचें? रिटेल की शॉप में आपको देखना है कि थोड़ा सा लुक स्मार्ट होगा, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। अगर आपकी दुकान साफ नहीं है, कहावत है लोकेशन लोकेशन लोकेशन, आपकी अगर शॉप की लोकेशन ठीक नहीं है आप कामयाब नहीं हो पाएंगे। प्रोडक्ट की क्वालिटी का पता होता है, करेक्ट, क्योंकि वो तो हमारे ऊपर विश्वास करके आपसे माल ले गए। yes. ले जाने के बाद उन्हें यही नहीं पता उनके एरिया में चलेगा क्या। इसमें प्रॉब्लम आती है, तो टॉक टू द एक्सपर्ट। आप एक्सपर्ट से बात करिए, आप मेरे से बात कर सकते हैं। अगर 25 साल से बिजनेस कर रहा हूँ तो कितने लोग बाहर की पैकिंग करते हैं, कितने लोग आपको पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी देते हैं, कितने लोग आपको लंच, ये छोटी छोटी जेस्चर्स होते हैं। तो इतनी चीजें प्रैक्टिकली बना नहीं सकते। जो पहला जो झूठ आ जाता है कि हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, क्या अमेजोन या फ्लिपकार्ट मैन्युफैक्चरर है? आधा परचेजिंग कर ली, सब्जी कितने दिन में खरीदते हैं आपसे पूछ रहा हूँ मैं? जैसे ही खत्म होती है 2 दिन में 3 4 दिन में। अगर आपने इसको मिस किया, माल बेच रहे और फाइनेंस और अकाउंट्स को नहीं ध्यान दिया, माल में डिफेक्ट आ गया, आप उसको 6 मंथ तक बदल सकते हैं, विद बिल वाइज बदल सकते हैं। हम लोग लेडीज जेंट्स किड्स अंडरगार्मेंट्स साड़ी सब कुछ बेचते हैं, 1 पॉइंट पे सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। जी दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका तेजस फ्लो के एक और खास वीडियो में। दोस्तों बिजनेस स्टार्टअप यदि आप करना चाहते हैं और आपको पूरा यूट्यूब चैनल छानने के बाद कुछ भी जानकारी नहीं मिली, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कानपुर की होलसेल मंडी में हूं और यहां पर एक इतने बड़े एक्सपीरियंस बिजनेस मैन से मैं आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूँ, जहां से आपको 0 पॉइंट से लेकर के और 100 तक का पूरा बिजनेस टिप्स आपको यहां पर मिलने वाली है, विद प्रूफ मिलने वाली है, और कुछ आपके लिए स्पेशल ऑफर भी मिलने वाले हैं कि यहां से यदि आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपको कितना बेनिफिट होने वाला है। वीडियो को पूरी देखिएगा, वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन दबाने से आपको विदाउट सर्चिंग हमारी वीडियोस आप तक पहुंच जाती है, जो आपके बिजनेस को बढ़ाने में हमेशा मदद करती है। चलिए स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल तेजस व्लॉग पर। सर का सर नमस्कार। नमस्कार, कैसे हो सर? आई एम गुड, फाइन। सर मैं चाहता हूँ सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन दे दीजिए हमारे व्यूअर्स को। मेरा नाम मोहित अरोरा है, हमारी फर्म का नाम है बड़े पापा, जो कानपुर में एस्टैब्लिश है। हम लोग 25 साल ऑनवर्ड्स इस बिजनेस में हैं और हम लोग लेडीज जेंट्स किड्स अंडरगार्मेंट्स साड़ी सब कुछ बेचते हैं, 1 पॉइंट पे सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। जी सर, आगे बढ़ने से पहले अभी जो घटना हुई हमराज में आग लगी, उसके बाद से आपका एड्रेस भी चेंज हुआ है? हमारा जो पहले स्टोर था वो हमराज कॉम्प्लेक्स में था। जी, अभी हमने वहीं पे बांस मंडी चौराहे के पास 5000 स्क्वायर फीट का हमारा एक बड़ा मेगा स्टोर है, जिसमें आपको 2 फ्लोर्स के अंदर सारी वैरायटी मिल जाएगी, बिल्कुल हमराज से 300-400 किलोमीटर रेडियस पे ही। और आप हमें गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, इंस्टा और यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, फेसबुक, सब जगह आप बड़े पापा के नाम से कानपुर सर्च करेंगे तो इजी आप मुझे एक्सेस कर सकते हैं। तो फिलहाल जो आप बिजनेस कर रहे हैं वो क्या होलसेल कर रहे हैं, रिटेल कर रहे हैं? हम लोग हार्डकोर होलसेलर हैं और हम हार्डकोर मैन्युफैक्चरर नहीं। मैं रिपीट करूंगा, जो लोग ये कहते हैं कि वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, वन क्यों मैन्युफैक्चरर आइडियली 1 या 2 प्रोडक्ट बना सकता है, बट हमारे पास जेंट्स लेडीज किड्स अंडरगार्मेंट्स साड़ीज बहुत कुछ है। अभी हम बेडशीट चालू करने वाले हैं, हम रेनकोट चालू करने वाले हैं, तो इतनी चीजें प्रैक्टिकली बना नहीं सकते। जो पहला जो झूठ आ जाता है कि हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, क्या अमेजोन या फ्लिपकार्ट मैन्युफैक्चरर है? आप मुझे बताइए, नहीं है। फिर भी आप परचेसिंग करते हो, क्यों परचेस करते हो? क्योंकि उनकी प्राइसिंग इतनी अच्छी होती है, सर्विसेज ऐसी अच्छी होती है, उस हिसाब से हम आपको 1 पॉइंट पे, आपको कहीं पे ऑल इंडिया जाने की जरूरत नहीं है। आप हमारे पास आए, आपको हम 30 डेज की रिप्लेसमेंट पॉलिसी देंगे। आपका व्यवहार नहीं चल रहा है, माल आपके पास दिक्कत आ रही है, नहीं चल पा रहा, आप हमें बिल लाइएगा साथ में, पैकिंग खराब नहीं होनी चाहिए, माल सेट वाइज होना चाहिए। हम आपको कोई फेक प्रोमिसेज नहीं करेंगे, झूठ बिल्कुल नहीं बोलेंगे, 100% ऑथेंटिक वीडियो में बात बोलेंगे। आप लाइए, हम उसको चेंज करेंगे और आपको एम्पावर करेंगे, और बिजनेस की वैल्यूबल टिप्स जो चाहिए होती है। तो होता क्या है, इन्फॉर्मेशन लोग भरी, लोग राइट जगह पहुंच नहीं पा रहे हैं। हम आपको एक बार माल बेचना नहीं चाहते, हम आपको खाना बनाना सिखाना चाहते हैं, कैसे खाना बनाया जाता है। हम एक बार आपको खाना सर्व कर देंगे, बट दूसरी बार तो आप खाना बनाने के लिए क्या करेंगे, हम आपको वो मटेरियल देंगे जिससे कि आप अपने आप को एम्पावर कर सके। जी तो दोस्तों सबसे पहले तो सर की ईमानदारी यहाँ पर देखिए, यदि हम किसी से क्वेश्चन करते हैं कि सर आप मैन्युफैक्चर हो, होलसेलर हो, ट्रेडर, तो सिर्फ एक ही जवाब मिलता है कि हम मैन्युफैक्चर है, जबकि वे हो सकते हैं ट्रेडिंग कर रहे हो मगर बताते मैन्युफैक्चर है। फर्स्ट ऑनेस्टली तो यही है कि सर ने ईमानदारी से आपको बताया कि होलसेलिंग करते हैं, ट्रेडिंग का काम है, और तीनों डिपार्टमेंट और साथ में आप जो हाउस
वेयरिंग का है जैसे कि अभी सर ने बताया, पहले हम लोग बेडशीट्स और ब्लैंकेट का काम चालू कर रहे हैं, बहुत जल्दी हम लोग अभी रेनकोट्स आ रहे हैं हमारे पास। हम लोग जैसे कि होटल लाइन में काम करने वाले, आप बिजनेस करना चाहते हैं, आपके पास पार्ट टाइम है, तो होटल इंडस्ट्री में भी बहुत तेज है, व्हाइट बेडशीट लगती है, पिलो लगते हैं। हम हमारी प्ले लिस्ट को फॉलो करिए, बड़े पापा को सर्च करिए, तेजस ब्लॉग को फॉलो करिए, आपको बहुत चीजें मिलती रहेंगी। जरूरत है इच्छा शक्ति की, जरूरत है फोन मिलाने की, टीम से बात करने की, और जरूरत है तो आप मुझसे भी मिल सकते हैं। मैं आपको बहुत सारी नॉलेज इन्फॉर्मेशन दूंगा जो मेरे कैरियर में 25 साल में मैंने जो मिस्टेक्स करी, ऐसा कोई व्यापारी नहीं है, ऐसा कोई इंसान नहीं जो गलती ना करे, गलती से सीख लेता है वो आगे बढ़ जाता है। तो मेरे पास जो गलती का जिस्ट है उसको कैसे रिफाइन करके मैं आपको दे सकता हूं, और नॉलेज देने से बढ़ती है, कम नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है सर आपके। सर आगे बढ़ने से पहले हम जानना चाहते हैं कि बिग डैडी या बड़े पापा क्या क्या फैसिलिटीज अपने कस्टमर्स को देता है यदि यहाँ से बिजनेस स्टार्टअप कोई करता है। करेक्ट, हमारे पास जो फैसिलिटी अवेलेबल रहती है कि एक पहली बात तो हमारे पास आप स्टेशन के पास हो या बस अड्डे, हाँ पिक एंड ड्रॉप आपको अवेलेबल कर देंगे, आपको आपको लेने आने की जरूरत नहीं है। आप अगर टीम को फोन करते हैं कि सर हमारी लंच की व्यवस्था कर दीजिए, आपको बताना पड़ेगा, हम आपके लंच मैनेज कर देंगे। आप गाड़ी से आ रहे हैं, आपके पास पार्किंग बहुत क्लस्टर वाला एरिया है, टाइट बहुत एरिया है, हम आपकी पार्किंग फैसिलिटीज दे देंगे। और आप कई बार हमारे यहाँ से माल लेते हैं और मार्केट से भी माल ले रहे हैं आप जी, आपको लग रहा है कि माल कहाँ पे पैक करें, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं बट वो पेनफुल होती है। हम आपको बाहरी माल भी पैक करके दे देंगे, रिप्लेसमेंट पॉलिसी की मैंने बात आपको बताई दी है, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट आ जाता है आपके पास जी, आप माल ले गए, माल में डिफेक्ट आ गया जी, जी। आप उसको 6 मंथ तक बदल सकते हैं, विद बिल वाइज बदल सकते हैं जी। आप और आप वीडियो में बने रहे, कई स्कीम्स भी देने वाला हूँ आपके चैनल के माध्यम से और लोगों को और एम्पावर करूंगा जी। तो सर अब आप बताइए, जैसे जून का महीना चल रहा है और आगे 2-3 महीने ये बरसात के आने वाले हैं, करेक्ट, लोग जो व्यापारी है कहीं ना कहीं मन बना कर बैठे हुए कि अब बिजनेस स्टार्ट करें, तो क्या ये सही समय है, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आइडियली स्पीकिंग तो ये दिस इज राइट टाइम, क्योंकि अगर मान लीजिए आपके घर में कोई शादी या पार्टी है तो आप बड़े फंक्शन ऑर्गेनाइज करने से पहले छोटे फंक्शन को टेस्टिंग कर लीजिए। अगर मान लीजिए आपके पास सीजन अक्टूबर नवंबर में स्टार्ट होगा और एकदम से बिजनेस स्टार्ट कर दिया, आपको समझ में कुछ नहीं आएगा, आपके पास लेट्स सपोज आपसे घर से काम करना है या आपको दुकान से काम करना है, तो आपके पास आपने टेस्टिंग के लिए मान लीजिए आपके पास 1 लाख लगाने के लिए या 50,000, तो आपने आधे अमाउंट से टेस्टिंग कर ली। इसको कहते हैं वाटर टेस्टिंग। जब हम स्विमिंग करने में जाता था तो पहले हल्का सा पैर डालता था तालाब में कि भाई देखें गहरा कितना है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं वाटर टेस्टिंग टेक्निक्स कहते हैं। आपने वाटर टेस्ट करा, पहले देखा पानी गहरा कितना है, आप मार्केट आए, मार्केट में लोगों से मिला, आपने मार्केट में एक ही बात बोली सर मैं आज माल देखने आया हूं, आधे से ज्यादा लोग आपको माल दिखाने में इंटरेस्टिंग रखेंगे, हमारे यहाँ आपको माल दिखाएंगे, आपको पूरी वैरायटी दिखाएंगे। आइडियली स्पीकिंग आज हमने अपना 25 साल पहले जो मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था वो भी मई जून में किया था, मेरे ट्रक भर के माल आया, मुझे आज भी याद, आपने याद दिला दी जी। तो ये समय हम आपको टेस्टिंग कर सकते हैं, लीन टाइम है। और दूसरी बात, इसमें और फायदा होगा जब आप सीजन आएगा तो मैच्योर हो सकेंगे, और इसमें दो ऑप्शन और भी वर्कआउट होते हैं। आप चाहें तो रेनकोट का काम स्टार्ट, रेनकोट हमारे पास रेन स्टार्ट होने वाली है, और मच्छरदानी जो गांव देहात में बहुत दिखती है। और दूसरा, अगर आप थोड़ा पॉलिश काम करना चाहते हैं, बेटर काम और सोच रहे हैं, तो होटल इंडस्ट्री के भी हम बहुत काम दे रहे हैं। होटल इंडस्ट्री में जैसे कि व्हाइट बेडशीट्स होती हैं, व्हाइट टॉवल्स होते हैं, कुशन कवर होते हैं, मैट्रेस गद्दे होते हैं, जरूरत है आपकी इच्छा शक्ति की। कोई भी टाइम बुरा नहीं होता है, आपको कॉल करना है, टीम से कनेक्ट हो, सैंपल्स मंगाएं, बात करें, विजिट करें, कुछ करें तो कुछ करने से कुछ कार होगा ना, कुछ कर्म करने से कुछ हो पाएगा। बिल्कुल सर, आपने इतने सारे प्रोडक्ट बताए तो हमारे तो व्यूअर्स कंफ्यूज हो गए। हाँ, हमने क्या, हम आपको वन पॉइंट, हमारे जो आप वीडियोस बनेंगे वो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में आपको देखने को मिलेंगे, तो आप वीडियो की प्लेलिस्ट जो फॉलो करेंगे तो ग्रेजुअली आपको सारे प्रोडक्ट दिख जाएंगे। आपको ये इंपॉर्टेंट नहीं प्रोडक्ट, आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा आपके पास कितनी कार्य करने की पूंजी है। अगर आपके पास पूंजी लिमिटेड है तो आप 1-2 प्रोडक्ट पकड़ लीजिए, आपके पास पूंजी ज्यादा है, स्पेस ज्यादा है तो ज्यादा प्रोडक्ट पकड़ लीजिए। डिपेंड करता है आपके पास पूंजी कितनी, नंबर वन, और डिपेंड करता है आपके टाइम कितना। अगर सी मलाई काम करना चाहते हैं, आप हाड़ी का काम कर लीजिए, सूट का काम कर लीजिए, आपके पास पार्ट टाइम है तो आप ऐसा करिए होटल इंडस्ट्री का काम कर लीजिए, आपको पूरी दुकान करनी है तो लेडीज जेंट्स किड्स अंडर गार्मेंट्स सब रख लीजिए, वो डिपेंड आपकी चॉइस पर करता है। और आप कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे कि जब भी मेरे पास कोई चैलेंज आता है, मेरे घर में एसी खराब हो जाता है तो मैं प्लम्बर को नहीं बुलाऊंगा, एसी वाले को ही बुलाऊंगा ना। बिल्कुल, नल खराब होता है तो प्लम्बर को बुलाता हूँ। बिजनेस में प्रॉब्लम आती है तो टॉक टू द एक्सपर्ट, आप एक्सपर्ट से बात करिए, आप मेरे से बात कर सकते हैं। और 25 साल से बिजनेस कर रहा हूं तो मैंने भी बहुत सारी चीजों गलतियां करी होंगी, उन गलती से जो मैंने सीखा है। आप आके मुझसे मिलिए, मुझे कोई भी आपको माल बेचने का कोई प्रलोभन नहीं है, बिल्कुल क्लियर मैं बोल रहा हूं। मेरे को एम्पावर करने का, ज्ञान देने से बढ़ता है, कम नहीं होता। आपके जो क्वेश्चंस होंगे, आपके जो प्रॉब्लम्स होंगे, उनको जो मैं ठीक करूंगा, उनको फिक्स करूंगा, तो मुझे भी और सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगा, मुझे खुशी होगी। जी,
आप बिल्कुल आए, कनेक्ट हो मेरे से। जी सर, सपोज कीजिए मैं ही बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, मेरे पास मात्र 1,00,000 रुपए है। अब कैटेगरी आपने बहुत सारी बता दी, तो बेस्ट ऑप्शन क्या है? बेस्ट ऑप्शन अगर देखें तो लेडीज सेंट्रिक प्रोडक्ट ज्यादा बिकता है, तो लेडीज फैशन में ज्यादा प्रो होती है, और दूसरी बार लेडीज प्रोडक्ट्स में ज्यादा ब्रांड्स नहीं होते। जो भी प्रोडक्ट ब्रांडेड होगा उसमें मार्जिन ऑब्वियसली कम हो जाएंगे, और जो लेडीज का फैशन प्रोडक्ट होता है उसमें आपको ज्यादा मार्जिन मिलेंगे, आपको ज्यादा कपड़ा। आप देखिए, आप एज ए जेंट्स आपने कितनी बार कपड़े खरीदे पिछले साल में? बहुत ही कोटेशन कर लीजिए, मेरी वाइफ, मेरी डॉटर, मेरी माँ, सब लोग कपड़े ज्यादा खरीदते हैं, सूट पे भरी है हमारी। तो ऐसा नहीं कि मैं फीमेल्स का वो फैशन के प्रो होती हैं, और अच्छा है, मार्केट को, इकोनॉमी को ग्रो करती हैं। तो लेडीज का काम करना और बच्चों का काम, बच्चों का इसलिए क्योंकि बच्चों के साइज बढ़ रहे होते हैं, तो वो बच्चों को तो आदमी खरीदेगा ही खरीदेगा, हम अपने आप को पीछे कर लेते हैं। तो लेडीज और बच्चों का काम करना मोर ऑफ प्रॉफिटेबल होगा, मेरे एडवाइस तो। जी सर, किसी ने बिजनेस सपोज कीजिए किसी एक कैटेगरी में स्टार्ट कर लिया, तो स्टार्ट करने के बाद जो वो फेल ना हो बिजनेस में अपने, तो उसे क्या करना चाहिए? कुछ मूलभूत चीजें हैं जो आपको बहुत ध्यान रखनी पड़ेगी। पहली मूलभूत ध्यान रखनी पड़ेगी आपको कि आपकी जो दुकान है उसकी लोकेशन बहुत प्राइमरी होनी चाहिए। एक कहावत है, लोकेशन लोकेशन लोकेशन। आपकी अगर शॉप की लोकेशन ठीक नहीं है आप कामयाब नहीं हो पाएंगे। नंबर टू, आपकी टीम, आपका स्टाफ बहुत एफिशिएंट होना चाहिए, और स्टाफ इंसेंटिवाइज होना चाहिए, उसको सेल्स पे कुछ कमीशन इंसेंटिव मिलना चाहिए जिससे कि वो जल्दी जल्दी माल बेचे। पुराना माल बिल्कुल ना होने दे, स्टाफ आपका अच्छा हो गया, आपके पास दुकान अच्छी होगी। आपको राइट जगह से माल लेना है, आपको ऐसे होलसेलर से माल लेना है जो आपकी सारी ग्रीवेंसेस, आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे। एक बार माल बेच दिया फिर आपको पहचान नहीं रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए, आपकी बात पूरी सुने। दूसरा, हमारे क्रेडिट फैसिलिटी भी चालू कर रहे हैं, अगर आपकी क्रेडिट वर्दनेस, आपकी साख ठीक है, आपकी बैंक स्टेटमेंट ठीक है, आपकी आपके पास चेकबुक अवेलेबल है, तुम्हारी क्रेडिट टीम से बात करिए, आपको कुछ क्रेडिट फैसिलिटी भी देंगे ऐसे। और दूसरी लास्ट बात ध्यान रखिएगा, अपने अकाउंट्स डिपार्टमेंट को जब भी आप काम करें तो आपने आपके जो इनकम का मतलब जो सेल हो रही है, सेल विदाउट जीएसटी होती है, ध्यान रखिएगा जीएसटी जोड़ के सेल मत जोड़िएगा कभी भी। और जो आपके खर्चे हो रहे हैं उसके बीच में कंपैरिजन करेंगे, आप गांव से काम कर रहे हैं, आप छोटे शहर से काम, हर जगह आपको एक अकाउंटेंट मिल जाएगा जो 500-1,000 रुपए महीना भी नहीं लेगा, आपके सारे खाते का बयान, क्योंकि बैकबोन होती है फाइनेंस और अकाउंट्स। अगर आपने इसको मिस किया, माल बेच रहे माल बेच रहे माल बेच रहे, फाइनेंस और अकाउंट्स को नहीं ध्यान दिया, अपने देश को बात कर लीजिए, हमारे यहाँ जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है वो कितने एम्पावर करता है, टैक्सेस लगाते हैं, तो फाइनेंस को बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। इन छोटी छोटी चीजों से ध्यान रखेंगे। एक बात और ध्यान रखनी है आपको कि कभी भी बल्क में परचेजिंग नहीं करिएगा। आपकी ज्यादा परचेजिंग कर ली, सब्जी कितने दिन में खरीदते हैं आपसे पूछ रहा हूँ मैं, जैसे ही खत्म होती है 2-3, 4 दिन में वीक में खरीद लेंगे, एक महीने में सब्जी तो नहीं खरीदते, सब्जी खराब हो जाएगी। रेडीमेड भी पेरिशेबल प्रोडक्ट है, फैशन का प्रोडक्ट है, आज कुछ चल रहा है कुछ और चल रहा है। आइडियल स्पीकिंग आपको 15-15 दिन में हमको रेडीमेड प्रोडक्ट परचेस करने चाहिए, और मैंने आपको 30 डेज में रिप्लेसमेंट पॉलिसी का ऑप्शन दे दिया। आपके पास कोई माल ले गए नहीं चल पा रहा है, आपको प्रॉब्लम हो रही है, आप याद रखिएगा बिल वाइज माल लाइएगा, सेट वाइज पैकिंग, हम आपको माल चेंज कर देंगे। हम चाहते हैं आप तरक्की करें, एम्पावर हो, पूरा मार्केट बढ़ा, खूब सर्वे करिए, देखिए, कंडीशन लीजिए। तो मार्जिन की बात करें तो सर कैसे मार्जिन सेट करेंगे? बहुत से फेक प्रॉमिसेस होते हैं वीडियो में कि आप 50% मार्जिन डाल दिए। देखिए, मार्केट कस्टमर को सब अवेयरनेस है, इन्फॉर्मेशन गूगल पे भरी हुई है, यूट्यूब पे भरी है। आइडियली जो प्रॉफिट मार्जिन लेना, अगर आप घर से काम कर रहे हैं, छोटे पूंजी, आपके घर से अगर काम कर रहे हैं तो आपकी कोई एक्सपेंडिचर नहीं है, आपको कोई रेंटल कॉस्ट नहीं देनी है, तो उसमें आपको 20-25% मार्जिन में बहुत रीजनेबल है, बहुत रीजनेबल मार्जिन है। और अगर आप दुकान लेके बैठे हैं तो 35% मार्जिन लेके चले, उसके ऊपर आप सोचे 40-50% मार्जिन लेंगे, तो ऐसा तो नहीं कि आप ही की दुकान है, बिल्कुल सही बात, मार्केट पड़ा है, बहुत सी दुकानें होंगी, कॉम्पिटिशन भी करना पड़ेगा, तो ये रीजनेबल मार्जिन है। और दूसरी बात, आपकी परचेजिंग शुड बी राइट जगह से लेनी चाहिए। अगर आपकी परचेजिंग इन्फ्लेटेड प्राइस पे है, बड़े प्राइस पे, तो आपकी कॉस्टिंग तो निकलेगी नहीं, तो दो पॉइंट पे ध्यान रखना है। जी, कानपुर के अंदर तो और भी बहुत सारे होलसेलर ट्रेडर से फिर आप ही से माल खरीदें, बहुत अच्छे, आपको ये देखना पड़ेगा कि हम हमसे ही क्यों लें, हमसे क्यों लें, मतलब हम सर्विस सेंट्रिक है बेसिकली, हम प्रोडक्ट सेंट्रिक नहीं है। आप हमारे यहाँ से माल ले जाए, आपको सर्विस की क्वालिटी कैसी मिल रही, बहुत आपसे माल लेने के बाद में हमको पहचान रहे। मैंने कहा मैं बाहर की पैकिंग करता हूँ, कितने लोग बाहर की पैकिंग करते हैं, कितने लोग आपको पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी देते हैं, कितने लोग आपको लंच, ये छोटी छोटी जेस्चर्स होते हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो बड़े बड़े हो जाते हैं। इन प्रकार की सर्विसेज से आप एम्पावर हो सकते हैं। दूसरा, हमारे पास 100% बिलिंग पे काम करते हैं, आपको 2.5% हम आपको डिस्काउंट देंगे, जो आपको स्टैंप पैड मतलब आपको प्रॉपर जीएसटी इनवॉइस मिलेगा, और आपके चैनल के माध्यम से अगर आएंगे तो कुछ स्कीम्स हम आपको देंगे, तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। इस प्रकार की चीजों से आप तभी डिसीजन लें। आप देखिए पूरा मार्केट सर्वे करें, फिर आपको कॉल लेने की, ये जो बंदा है या इस शॉपकीपर से मैं माल लेने में एडवांटेज है, तो आप ले,